हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू आर, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। जस्ट मेक मी श्योर आई एम ऑडिबल। थैंक यू, हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। सत श्री अकाल। चलो जी, so the today's class that I would be taking up is basically concerned regarding the current affairs of the month of July. We would be completing it today, and in tomorrow's class I would be taking up the current affairs of July, August, September. Hamara cover ho jayega. The next step would be October and November, and then we would be continuing. हाँ, एडमिट कार्ड्स आर कमिंग उसमें फॉर मेजोरिटी स्टूडेंट, वो आ जाएगा। सरकारी काम है, धीरे धीरे होता है, आ जाएगा। आप एडमिट कार्ड को लेके चक्कर मत, ठीक है। चलो, बिफोर वी स्टार्ट अप विद द क्लास, एनी स्टूडेंट वांट टू आस्क एनीथिंग? हाँ, होता ऑलरेडी, गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी सेट द पेपर इज ऑन 13th of February। हाँ जी अभिषेक बोलिए। करेंसी स्वैप मतलब करेंसी चेंज कर देना, एक सिंपल भाषा में समझो। मार्क्स नहीं आ रहे, इधर आइकन्स नहीं आ रहे, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, हिंदी लिटरेचर दोबारा चलाना पड़ेगा। हाँ जी, नैब तहसीलदार का एग्जाम दी अभी डेट नहीं है, दोबारा करते, ऐसे ही समझा देते। जैन टू दिसंबर, दे हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड। जो पहले, फॉर एग्जांपल द करंट अफेयर्स फॉर जनवरी टू जून, वो पहले ही कवर्ड हैं। आप यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, दैट ऑलरेडी देयर। जुलाई से लेके आगे वाले हम कर रहे हैं। चलो, नाउ आपने पूछा मेरे से करेंसी स्वैप। फॉर एग्जांपल आपने आज किसी कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया। फॉर एग्जांपल हमने किया था इंडिया और चाइना के कंटेक्स्ट में, बोला कि हम इतना पैसा आपको, इतने डॉलर आपको देंगे। वी गेव देम $1,00,000 और उन हमने उनसे पैसे ले लिए। फॉर एग्जांपल, और पैसे ले लिए हमने 60 लाख 70 लाख रुपए ले लो, एक 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 लाख डॉलर की जगह की एक्सचेंज में हमने उनकी लोकल करेंसी ले ली। आप सिंपल भाषा में समझ लो, 70 लाख रुपए ले लिए। हमने क्या बोला कि हम आपको पैसे दे देंगे, एंड यू वुड बी गिविंग इट बैक। जो डॉलर हमने आपको दिए हैं, आप हमें वो डॉलर वापस कर दोगे। दैट वॉज बेसिकली टू बी देयर। नाउ टुमारो वट विल बी हैपनिंग इज देयर कैन बी एन एक्सचेंज रेट इंक्रीज और डिक्रीज। एक्सचेंज रेट इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, बट आपने क्या एग्रीमेंट किया जाएगा। प्रायर एग्रीमेंट करेंसी स्वैप में क्या होता है कि जिस एग्रीमेंट पे, जिस एक्सचेंज रेट के ऊपर पहले दिन ट्रांजैक्शन हुई थी, उसके अगली ट्रांजैक्शन जब हम रिटर्न कर रहे हैं पैसे, अगली ट्रांजैक्शन का मतलब चाहे साल के बाद हो, चाहे 2 साल के बाद हो, चाहे अगले दिन ही क्यों ना हो, इट विल बी ऑन अ सेम एक्सचेंज रेट दैट इट वॉज देयर। उसको बोलते करेंसी स्वैप। नहीं जी, आज नहीं गए, ट्रैक्टर रैली च नहीं गए। एक साल का तो करना होगा जी, अज वैसे ही उन्होंने फटे चके पाए उ नजारा लवन। तो चलो, फोर वी स्टार्ट ऑफ विद दिस, अ स्मॉल अनाउंसमेंट इज दैट फ्रॉम 25th of February वी आर स्टार्टिंग द न्यू बैच फॉर 2022। It is GS Foundation batch.
फॉर प्री एंड मेंस मेनी स्टूडेंट्स आर इंक्वायरिंग अबाउट इट कि सर पीसीएस का एग्जाम खत्म हो जाने तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा यही है. ठीक है, दैट इज वन थिंग बिकॉज दिस इज वन आइडिया दैट वी वॉन्ट टू पुट इन टू द माइंड ऑफ स्टूडेंट कि वहां पे बैठना है जहां पे आपके बैठने का कोई असर भी होता हो. बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 26th of February. क्रैश कोर्स है जो इसी साल के लिए है, 70 क्वेश्चंस वी आर अश्योरिंग दैट इज स्टार्टिंग फॉर 15th of February. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक होने वाली है 31st of Jan को, जिसमें हम पूरे का पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रीलिम्स हम अश्योर करवाते हैं या गारंटी करते हैं या कैसे मेंस का लेते हैं. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हाँ, ट्रैक्टर रैली ने तो स्वाद ही लिया था. सही गल है, बिल्कुल. बेसिकली एक जड़ी गल अगे निकल के आई है भी जो कहते चलो 19 बार जित लिया हूँ 20वीं बार की वारी आ गई एंड दे डिड इट एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो सब तो वही गल इट ऑलमोस्ट रिमेन्ड पीसफुल, ऑलमोस्ट पीसफुल. देखो इतना बड़ा एजिटेशन है, देर इज नो लीडर एज सच इज लीडिंग, तो थोड़ा बहुत तो होता है, दैट वी हैव टू एग्री कि चलो इतना तो चलता है. लेकिन ऑन द अदर हैंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट द एजिटेशन और द ट्रैक्टर रैली दैट वॉज देयर दैट हैड रिमेन्ड पीसफुल बहुत बड़ी बात है. वहां पे जाके झंडा लगा देना और भी बड़ी बात है, और उसको फिर छोड़ के भी आ जाना ये उससे भी बड़ी बात है. एवरीथिंग हैपन ठीक है. नाउ इट हैज टू बी नॉर्मली कुछ ज्यादा थोड़ा बहुत मिसहैप्स तो इट वॉज एक्सपेक्टेड गया, थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा. That was there, but on the other hand, when you talk about a larger angle of it, though it was completely, you can say, a peaceful protest that is going on, or that is presently going on. Chalo ji, and in the present class, we will be talking about science and technology, security, culture, and certain miscellaneous topics that were left over the month of July 2020. We would be discussing those things. Friends, current affairs we are covering it comprehensively, national, international, your current affair hai. अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जल्दी ही 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा. कोशिश करेंगे कि अगर जरूरत पड़ी 2 क्लास भी ले ली जाए और 2 क्लास में लेके आपका मतलब एक दिन में 2 क्लास लेके आपका खत्म करवाया जाए. दैट इज एक ही दिन में एक क्लास एक मंथली कवर हो जाए. एंड उसके बाद जो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग दिस इज UPSC टोटली इन नेशनल इंटरनेशनल हर PCS वालों को तो करना ही पड़ता है. Then there would be certain specific current affairs which will be related to Punjab specific. तो UPSC में जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो सबको जरूरत पड़ेगी. तो वो UPSC वालों को पंजाब स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की बहुत कम है यार, बहुत कम है. दे विल बी रिक्वायर्ड, तो वो जल्दी से फटाफट 2-3 दिन में वो कर देंगे. दिस इज द मेन थिंग दैट इज देयर. नाउ फर्स्ट इज एरियल सीडिंग. There are certain areas which are comparatively inaccessible. Inaccessible मतलब जहां पे पहुंचा नहीं जा सकता है, जहां पे पैसा नहीं पहुंचा नहीं जा सकता. फॉर एग्जाम्पल जहां पे फार्मिंग एग्रीकल्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऐसे एरिया में वहां पे क्या एरियल सीडिंग किया जाएगा हेलीकॉप्टर से या कुछ ऐसे, वो दे विड बी थ्रोइंग द सीड्स. तो वो सीड्स को जब थ्रो किए जाएंगे तो वहां पे धीरे धीरे कुछ प्लांटेशन होने के चांसेस हो जाते हैं. किसने किया है? हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. कुछ फॉरेस्ट है जहां पे पहुंचना मुश्किल है. हाँ, कोशिश हरियाणा पंजाब जी के भी, क्योंकि कल्ला जा नहीं है जिदे करके फिर थोड़ा मैनेज करना भी हो जाए. जिन्ना मैक्सिमम हो रहा मैं करने की कोशिश कर रहे हैं. हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है. इट अलाउज द प्लांटेशन इन सेक्शन ऑफ अरावलीज. वो अरावलीज के वो एरिया दैट आर कंपेरेटिवली इनएक्सेसिबल वेयर द प्लांटेशन विल बी डन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड दिस इज एरियल सीडिंग. हवा से सीड ऐसे फेंक देने दैट विल बेसिकली किस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया. अ डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वुड बी कमिंग इज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. नेक्स्ट, मीजल्स एंड रुबेला एलिमिनेशन. What it is basically a contagious viral disease. Contagious है, एक viral disease है. That is one of the important factor that is causing death among the children globally. Measles हो गया, rubella हो गया, measles. एक contagious disease है that is causing death. And वो बच्चे जो comparatively जहाँ पे malnourishment या malnourished होते हैं बच्चे, वहां पे या उन बच्चों को ये बीमारी होना, इस वजह से problem होना, comparatively वहां पे ज्यादा chances हैं.
malnourished children and those जिनकी immunity कम हो जाती है उनको competitively attack हो जाता है. Transmit कैसे होता है? For example, measles के लिए or this contagious viral is basically being transmitted by a droplet from the nose or it can be mouth or throat of the infected patient, infected person उसके हो जाएगा. It can cause problem, for example, blindness कर सकता है आपको cause किसी को भी. Encephalitis, severe diarrhea, ear infection and pneumonia. These are the problems which can be caused. Next is measles के साथ rubella है जिसको German measles भी बोला जाता है. It is a mild viral infection that occurs mostly often in children and कभी ना कभी young adults के भी हो जाता है. In pregnant women, they can cause a death also. Or congenital defects known as congenital rubella syndrome, CRS, that can cause irreversible birth defect वहाँ पे हो सकते हैं. तो दो चीज आप देखने को मिलते हैं. One is German measles या measles rubella और जहाँ measles हो तो आपको पता होना चाहिए कौन से या किसको susceptible comparatively ज्यादा हो सकता है, कौन सा mild है and कौन सा थोड़ा सा ज्यादा extreme है. It is a news in the very very important area. In news में है because two countries they have eliminated both measles much before their target of 2023. कौन सी कंट्रीज है? इट इज मालदीव्स एंड इट इज श्रीलंका. दीज आर द टू कंट्रीज विच हैव कंप्लीटेड एलिमिनेटेड मीजल्स एंड रूबेला. टारगेट क्या रखा गया था? टारगेट वाज केप्ट वाज 2023. इन्होंने 2020 में इसको अचीव कर लिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट. एवरी स्टूडेंट शुड नो. डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नाउ इज कोवैक्सिन. It is India's first COVID-19 vaccine candidate आया था जो is an inactive vaccine created from the strains of infectious SARS-CoV-2 that was developed by Bharat Biotech in collaboration with Indian Council of Medical Research and National Institute of Virology. इन्होंने develop किया था. State forward question है कि Covaxin क्या है? First जो vaccine है inactivated vaccine से develop करी जाएगी. देखो कुछ दिनों से I am seeing one poster. दिल्ली में है आप बाहर है तो आपको आपने भी वो पोस्टर्स देखे होंगे. बड़े बड़े मोदी साहब के होर्डिंग लगे होते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं धन्यवाद मोदी जी को वैक्सीन आपने वैक्सीन की वो ले आए. अरे मोदी ने थोड़ा कुछ किया है? वो साइंटिस्ट है जो वहां पे काम कर रहे हैं. कभी नहीं ऐसा देखा था इतने टाइम की फॉर एग्जाम्पल जो देख रहे हैं जिस तरीके से राजनीति चल रही है. कोवैक्सीन एक वैक्सीन लेकर आए हो. The complete credit should be given to the doctors, to the scientists who are there. और यहाँ पे क्या हो रहा है? For example, they are basically saying कि चलो बधाई हो मोदी जी, धन्यवाद हो मोदी जी, आपकी वजह से वैक्सीन आ गई. अरे क्या बात है यार, that should not be done. There has to be certain level की इसके नीचे राजनीति नहीं होनी चाहिए. और not only this, this is completely a disrespect to the persons who are basically working day and night for bringing out the vaccine. ठीक है, हाँ, तो दैट शुड नॉट बी डन. हाँ, इट्स नॉट कि मोदी सब कुछ उल्टा ही कर रहे हैं. देयर आर सर्टेन स्टेप्स व्हिच वर टेकन बाय द मोदी गवर्नमेंट और काफी वो सक्सेसफुली भी रहा. ही इज नो डाउट ही वाज वर्किंग एंड डे नाइट इज वर्किंग. पर ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि इट इज दैट शुड नॉट मीन दैट वट एवर शुड बी टेकिंग प्लेस नहीं जी हमारे श्रेय इसको जाएगा. दैट शुड नॉट बी देयर. सो दैट थिंग नीड टू बी अवॉइडेड. There are different rockets that are there. KZ-11 or Kozau rocket that is there. Kiska hai? Chinese hai. Meaning the fast ship. Basically, ek rocket hai jo launch karega. Low Earth designed to launch. Low Earth and Sun Synchronous Orbit Satellites. Jo wahan pe launch karega Sun Synchronous etc. हाँ बिल्कुल. नहीं हंकार इसनों देखने की जरूरत, इस देखने का नजरिया होना चाहिए कि हंकार. देखो अपा जे पॉलिटिक्स देखिए जे कि पंजाब की गल है, एक पॉलिटिक्स डिफरेंट है. जे अपा पॉलिटिक्स नू देखिए जिस तरीके नाल मैं देखता, हो सकता नजर वो ठीक नहीं जा गलत है, जिवें भी हो सकता है उस नजरिए नाल देखना. अपा मजोरिटी पंजाब पीपल आर देयर फ्रॉम पंजाब और फॉर अदर रीजन. They may be thinking it in a different perspective, and that perspective may be completely true also.
बट वेन यू टॉक अबाउट विद दीज थिंग्स विद द पीपल ऑफ फॉर एग्जाम्पल अदर देन द स्टेट्स ऑफ पंजाब हरियाणा और नियर बाई रीजन्स, तो उनको भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. नो डाउट दिस इश्यू हैज बीन टेकन अप इवन टू द इंटरनेशनल लेवल. दैट इज वन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट दैट हैज बीन देयर. ठीक है, दैट हैज टू बी देयर. बट ऑन द अदर हैंड व्हेन यू टेक अबाउट अ लार्जर पर्सपेक्टिव, ठीक है, पहले बात तो इतना बड़ा मुद्दा ये बनना नहीं चाहिए था. नहीं चाहिए, ठीक है, मत लो यार, कोई इशू नहीं है. या इट शुड नॉट बी देयर फॉर दो स्टेट्स विच आर एजिटेटिंग. सेकेंड थिंग, इट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट हैज टू बी देयर फॉर द पीपल. और एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी, दो चीजों को लिंक नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल द प्राइवेटाइजेशन टुक प्लेस इन 1991, द कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड अदर थिंग्स वर देयर. तब भी बहुत लोगों ने एजिटेशन किया था कि जॉब्स चली जाएगी, ये चली जाएगी, वो चली जाएगी, बट दैट वॉज समथिंग दैट कुड बी फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज या स्किल डेवलप किया जा सकता है उसको. और द एग्रीकल्चर बिल हैज नो लिंकेजेस. आई वॉज डिस्कसिंग विद सर्टेन पर्सन, इंटेलेक्चुअल सा था और हम तो देसी से हैं, ठीक है, ठीक है, एंड दैट वॉज बेसिकली द केस. कहता नहीं, वो तब भी एजिटेशन हो रहे थे. मैंने बोला तब चीज और थी, मुद्दा और था. अब एक सिंपल सी बात है, आप कुछ भी फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में जा रहे हो आलू लेने के लिए, अब आलू की जगह पे लाल मिर्च थोड़ा ना ले आओगे. कंपेरेबल हैज टू बी कंपेयर्ड. ऐसा नहीं कुछ भी कंपेयर करते रहो. देयरफॉर इट बिकम्स कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड. ये वो 1991 पर्सपेक्टिव वाज कंप्लीटली डिफरेंट, दिस पर्सपेक्टिव इज समथिंग दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, पर लोगों को समझ नहीं आ रहा. तो ये है एक रॉकेट है दैट इज बेसिकली यूज्ड टू लॉन्च लो अर्थ ऑर्बिट के लिए में जो कुछ भेजना है सैटेलाइट या फॉर सन सिंक्रोनस सैटेलाइट को भेजना है. लेकिन जो आज हो गया वो सरकार ने भी नहीं सोचा था कि यहां तक पहुंच जाएंगे. It was carrying two satellites, a remote sensing satellite and low Earth orbit navigation satellite. There are other missions which are there, which were China. For example, rockets. It is China's Mars mission. Previous Yinghao 1 Mars, जो 2000 approximately इन्होंने 12 में किया था, रशिया वो फेल हो गया था. They won one lifted on a Long March 5 rocket के context में. Long March 5 rocket. It is China's successful step to operate a permanent space station and send astronauts to the moon. Very, very important. That has to be there. Long March 5 rocket kya bolega? That we will be trying to set up a permanent space station over there. Tiangong 1 kya bol raha hai? It is China's own space station to be built by 2022. Means kya? Heavenly palace. Therefore, you has to Long March 5 rocket kiske liye hai? Ja Tiangong 1 kya hai? That has to be taken into consideration. Genotoxicity and gold nanoparticles that are there. Genotoxicity. Property है किसी chemical agent की जिसमें capability है कि वो damage कर सकता है किसको? Genetic information DNA को, and therefore has the capability of causing mutation, टुकड़े कर सकता है cells के, जिसकी वजह से that can be leading to a cancer, stage of a cancer. केमिकल एजेंट की प्रॉपर्टी है कि आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए की उसको चेंज कर सकते हैं. दिस हैज टू बी यूज्ड इन कंपोजिट थेरेपेटिक एजेंट्स क्लिनिकल ट्रायल्स के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली एंटी कैंसर, एंटीवायरल, एंटी डायबिटिक, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स. नाउ न्यूज में क्यों था? बिकॉज इन द कॉन्टेक्स्ट दैट गोल्ड नैनो पार्टिकल हैज बीन सिंथेसाइज्ड इन अ वे दैट दे कैन बी यूज्ड इन दिस रिगार्ड. गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को सिंथेसाइज किया गया है दैट कैन बेसिकली बी यूज्ड एज एंटी कैंसर, एंटी वायरल एंड दीज थिंग्स. तो आपको गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के लिए पता होना चाहिए. ये बेसिकली थेरापेटिक एजेंट है जो किसी भी प्रॉब्लम में है. फॉर एग्जाम्पल दीज प्रॉब्लम इट कैन बी डेल्ट ऑफ विद. Very simple. Carmel and Arad. They basically assault rifles hai. Kahan ki? Israel ko. Which will be manufactured in India. Israel ki assault rifles hai. Jisko Hindustan mein bhi manufacture kiya jayega. Phobos. Phobos or Deimos. Basically they are moons of the Mars. Innermost Phobos ki jab baat karte hain. Innermost and the large of the two natural satellite that is there with the Mars. तो एक तो है फोबोस है, दूसरा डीम्यूज है.
Both moons were discovered in 1877 by Hall. Phobos is believed to be made up of carbonaceous chondrites that are there. Robos ki jab baat, Phobos is small, irregularly shaped object. Mean radius kitna hai? Mean radius is approximately 11 kilometers. Phobos is 7 times as massive as Deimos. Jo aapko bataya, Deimos is comparatively small. हाँ जी, हो जाना चाहिए कुछ दी, कोशिश तो यही है साड़ी जी. नेक्स्ट इज कावासाकी डिजीज. दैट विल डिजीज दैट विल बी इफेक्टिंग द चिल्ड्रन एज अ सिम्टम्स. क्या सिम्टम्स हो जाते हैं? फॉर रेड आईज कैन बी देयर, रैशनेस कैन बी देयर, स्वॉलन टंग, फॉर लाल सी आपकी टंग हो जाती, स्ट्रॉबेरी टाइप हो जाती है. इनफ्लेमेबल ब्लड वेसल्स कैन बी देयर ऑल ओवर द बॉडी. दे आर कॉन्स्टेंट हाई फीवर, 5 दिन के लिए कम से कम फीवर रह सकता है, इफेक्ट हो सकता है हार्ट की फंक्शनिंग को भी इफेक्ट हो सकता है. एंड देयर फोर WHO क्या बोलता है, इट इज अ न्यू इलनेस ऑफ मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑर्डर दैट कैन बी देयर. द कॉज इज नॉट येट नोन, अभी तक इसके कॉज, कावासाकी डिजीज का क्या कॉज है वो पता नहीं. नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रोग्राम वॉज बेसिकली कंसीव्ड इन 1983 बाय अब्दुल कलाम आजाद साहब. किसके लिए? सो दैट इंडिया कैन बी इन अ पोजीशन टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी. मिसाइल टेक्नोलॉजी के फील्ड में सेल्फ सफिशिएंसी की बात हो रही है. दे आर डिफरेंट, अलग अलग मिसाइल्स हैं जिसके बारे में मैच द फॉलोइंग, जिसके बारे में कैसे कोई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, दैट कैन डेफिनेटली बी आस्क्ड. कौन सी मिसाइल है पता होना चाहिए? पृथ्वी. कौन सी है? इट इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल दैट हैज बीन देयर. पृथ्वी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस है. अग्नि है इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस है. है ये भी सरफेस टू सरफेस, ये शॉर्ट रेंज है, ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स. त्रिशूल की जब बात करते हैं, ये भी शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स है त्रिशूल. नाग, इट इज अ थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है. फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, विच हैज द कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द बैटल टैंक्स ऑल्सो, जो अदर हार्म आर्मर्ड व्हीकल्स उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. DRDO हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड अ फ्लाइट टेस्ट, बेसिकली हेलेना. हेलेना जो मिसाइल, नाग मिसाइल है, हेलेना शब्द का मतलब है हेलीकॉप्टर वर्जन. Of Nag missile, Helena. तो उसका नाम क्या रखा गया है? द्रुबस्त्रा. That has basically been the name that has been kept. आपको टेबल दिया हुआ है, नोट्स ऑलरेडी अटैचमेंट में है, अलग अलग मिसाइल्स के बारे में. यहां पे आपको शायद दिख तो रहा है मिसाइल्स है, इनका रेंज बताया हुआ है, कितना रेंज है पृथ्वी का, 1 का 152 का 250 एक्सेट्रा, और कितना पेलोड ये उठा सकते हैं. सेम इज गिवन फॉर अग्नि आल्सो, से K-15 सागरा का और K-4 के लिए बताया हुआ है. त्रिशूल, आकाश, मैत्री, बारक, नाग मिसाइल, हेलेना, अदर थिंग, दे हैव एवरीथिंग हैज बीन देयर. कौन सी हमारी क्रूज मिसाइल है? एयर टू एयर मिसाइल है. कौन सी हमारी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है? अग्नि 5, अग्नि 6, एवरीथिंग हैज बीन देयर. एक टेबल फॉर्मेट आपके नोट्स में दिया गया है, उससे आप डेफिनेटली देख सकते हो. यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं. एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? हाँ जी, हाँ जी, कोशिश करेंगे, एंटरटेनमेंट कोशिश करेंगे इसके, नॉट श्योर. जिम्मी, तुसी एक बार गुरप्रीत सर नूं दस दिओ, कुछ मिसप्रिंट होना तो चाहिए, एक बार वही दस सकनगे. नेक्स्ट इज कृष्ण गोपाल कृष्णन कमेटी दैट हैज बीन देयर. बेसिकली इन द कंटेक्स्ट दैट इट हैज सजेस्टेड दैट नॉन पर्सनल डाटा दैट हैज बीन जनरेटेड दैट शुड बी अलाउड टू बी हार्नेस्ड और एक्सेस बाई डोमेस्टिक कंपनीज एंड एंटिटीज. देयर आर सर्टन डाटाज विच आर देयर the non-personal and there can be a personal data also. Jab non-personal data ki baat karte hain, that is classified into 3 main categories: public non-personal data, community non-personal data and private non-personal data. Ek to personal data jisme jo, for example, non-personal data, kisi ka photo hai, naam hai kuch,
पर्सनल पर्सनल डाटा की जो बात आ जाती है, आपका क्या ब्लड ग्रुप है, आपका और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है, आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, दीज थिंग्स आर पर्सनल थिंग्स दैट आर देयर दैट शुड नॉट बी शेयर्ड. तो दिस कमिटी किसके लिए है, इट हैज सेड दैट द नॉन पर्सनल डाटा कुड बी शेयर्ड विद वेरियस डोमेस्टिक एजेंसीज एंड एंटिटीज ऑल्सो फॉर वेरियस रीजन. कमिटी कौन सी है, गोपाल कृष्ण कमिटी, होप मिशन, ये पहले भी किया हुआ, इट इज यूएई का मिशन टू द मार्स दैट हैज बीन देयर. कहां से है, जापान से. विटामिन डी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ऐसे कभी कभी लॉटरी टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं. प्रोड्यूस व्हेन सनलाइट और द आर्टिफिशियल, इसके लिए मैंने किया था, सनलाइट तो आपको पता होता है, बट आर्टिफिशियल लाइट पर्टिकुलरली अल्ट्रा वायलेट रीजन, वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, 190 टू 400 नैनोमीटर वेवलेंथ, दे फॉल्स ऑन द स्किन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विटामिन डी इज प्रोड्यूस्ड. सनलाइट तो पता है कि आर्टिफिशियल लाइट, जब अल्ट्रा वायलेट की जब बात करते हैं, 190 टू 400 वेवलेंथ के कॉन्टेक्स्ट में वहां से भी हो जाता है. इट इज फैट सॉल्युबल विटामिन, मींस इट इज डिसॉल्वड इन द फैट्स एंड ऑयल्स एंड कैन बी स्टोर्ड इन अ बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट हेल्प्स इन हैविंग द राइट अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द बोन, catalyze the process of protecting the cell membrane from the damage and also prevent the inflammation of the tissue that is taking place and help the stop tissue becoming fibers. Deficiency agar ho jati hai to iske liye context mein kyun news mein tha, because it say that it is effective ki agar corona aapke paas vitamin D sahi matra mein hai aapki body mein to wahan pe corona ke problem comparatively kam hogi. The vitamin D deficiency can affect COVID-19 high risk patients, particularly those who are diabetic, ya kuch heart ki problem hai ya pneumonia hai, obesity hai, ya jo log those who smoke wahan pe bhi kehte hone ke chances hai, to jo log sutta utta marte hain to wo kam kar do. Next is drone Bharat. It is basically a drone that has been developed indigenously. Indigenously developed किया DRDO ने, equipped with artificial intelligence के context में, in the way that it helps to deter, detect the friends and enemies and therefore we can take action accordingly. Drone का नाम है भारत. क्या करेगा? It will be a real time video transmission that would be taking place and have an advanced night vision capabilities also. Detect क्या करेगा? Humans which are basically hidden in the deep forest, उनको detect करना comparatively आसान है. Radar also, the Bharat radar cannot be detected, cannot detect its presence. The radar jo bhi hai, wo radar iski presence ko detect nahi kar payegi. Initiative to conserve our heritage. Ye basically match the following mein aa jata hai ki kaun sa initiative sarkar ne chalaya hua hai aur kis purpose ke liye hai. Apne heritage ko bachane ke liye alag alag initiatives chalaye gaye hain. For example, Haridya. Iske liye preserving and revitalization of the unique characters of that are there of the heritage city in India. Prashad, for the development and beautification of the pilgrimage, identified pilgrimage destinations. Ab 40 se zyada sites cover ho chuki hai Prashad ke andar. Swachh iconic space palaces has been there. Experience unka tourist ka badhiya kiya ja sake, that can be there. Adopt a heritage, apni dharohar apni pehchan. Campaign has been there. To provide the world class facilities like in various cities, for example like Red Fort, by engaging the private sector ko bolenge ki aap kisi na kisi ko engage karo, agar aap koi na koi adopt karo, koi na koi area, koi na koi site, then wahan pe aap usko world class facilities provide karne ki koshish karo, jaise Lal Qila ko adopt kiya Dalmia group ne. Swadesh Darshan theme based tourist circuits banaye gaye hain. इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए. टुडे अडॉप्टेड रेड फोर्ट. आदर्श स्मारक, बेसिकली 100 मॉन्यूमेंट्स को डेवलप करना मॉडल मॉन्यूमेंट्स में. प्रोजेक्ट मौसम, बेसिकली टू रिकनेक्ट एंड एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन वर्ल्ड, ताकि वहां पे अपने कल्चर को, जो वैल्यूएबल कल्चर है, दैट कैन बी देयर, और रीजनल मैरिटाइम मिलू में डेवलप किया जा सके. मंगोलियन कंजूर बुद्धिस्ट के कंटेक्स्ट में, बेसिकली मतलब क्या होता है, कंसाइज ऑर्डर्स, ऑर्डर किसके, ऑर्डर ऑफ द बुद्ध इन पर्टिकुलर,
इट बेसिकली अ बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट है कंजू, मंगोलिया में बुद्धिस्ट टेक्स्ट है कंजूर, जिसका मतलब कंसाइस ऑर्डर। किसकी ऑर्डर? बेसिकली बुद्ध की ऑर्डर। पल्स बेसिकली नासा वालों ने एक पेंडेंट बनाया है कि कोरोना के कंटेक्स्ट में आप अगर अपने फेस को टच करने लगोगे तो वहां पे एक अवाटू की तरफ से आवाज आएगी, दैट इज बेसिकली नोन एज, कौन सा पेंडेंट है? पल्स उसको बोलते हैं। नहीं गगनदीप, एक्चुअली क्या था कि वो टाइम की लिमिटेशन है, तो टॉपिक्स जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो जाता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो डायरेक्टली स्पेस उसपे सिलेबस में मेंशन है हमने वो कर दिए हैं, इन बिटवीन कुछ जो गैप्स है जैसे फॉर एग्जांपल बिकॉज टाइम के कंटेक्स्ट में भी देखना पड़ता है, या कुछ चीज़ के आपको नोट्स दिए गए हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हो, उस वजह से है, नहीं तो पूरे का पूरा कोर्स फिर ख़त्म ही नहीं होना है। Will this adoption lead to complete capture of the entity? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं इट इज वेरी पीसफुल यार, आप कुछ कैप्चर वैप्चर नहीं करने वाले हैं, इट इज वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट दैट इज गोइंग ऑन, और थोड़ा बहुत तो ठीक है, इट इज एक्सेप्टेबल, इससे ज्यादा लड़ाई तो पंचायत के इलेक्शन में हो जाती है यार। नेक्स्ट इज मेटा मटीरियल दैट आर देयर, एक आर्टिफिशियल क्राफ्टेड मटीरियल हो जाती है विद यूनिक इंटरनल माइक्रोस्ट्रक्चर जो नॉर्मली नेचुरल तरीके से फाउंड नहीं होते। हाँ वो देखो यार वो तो एक्सेप्शन है ना, वो तो आई टोटली एग्री विद दैट, वो दैट इज नॉट द केस, पर है क्या कि क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन आए हैं? 3 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, अरे 95 तो फिर भी बचे हैं, इस पे फोकस कर लो ना यार। मैं ना थोड़ा सा ऐसा इंसान हूँ, थोड़ा पॉजिटिव सा रहता हूँ, तो इन दैट केस वी हैव टू बी, मैं थोड़ा वाइडर पिक्चर को लेने की कोशिश करता हूँ कि इस पे क्यों फोकस कर रहे हो आप, एक बोल रहे हो मैं तो 5 बोल रहा हूँ, मैं बोला इस पे ऊपर फोकस करो ना, ठीक है? तो एक स्ट्रेटजी भी होती है, एक पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए, वो काफी चीज मैटर करती है। द कॉन्स्टेंट आर्टिफिशियल यूनिट्स बेसिकली दैट कैन बी टेलर्ड इनटू एनी शेप एंड साइज, जो भी मेटा मटेरियल्स होगा, आर्टिफिशियल क्राफ्टेड मटेरियल होगा, उनका यूनिक इंटरनल माइक्रोस्ट्रक्चर होगा। इन दैट यूनिक इंटरनल माइक्रोस्ट्रक्चर जो नॉट नेचुरली नहीं फाउंड होते, वी कैन बेसिकली अपना प्रेडिक्शन टू टेलर मेड, अपनी मर्जी से शेप साइज बना सकते हैं। एप्लीकेशन क्या होगा? ऑप्टिकल फिल्टर्स के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए, रिमोट एरोस्पेस के लिए एप्लीकेशन, या कुछ और दे कैन बी यूज्ड, मेटा मटीरियल्स आर्टिफिशियली क्राफ्टेड मटीरियल हो सकते हैं। विंटर डीजल, नॉर्मली जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे होते हो तो नॉर्मल डीजल दैट कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, एंड दे आर एंड नॉर्मल डीजल इट बिकम डेट्रीमेंटल टू द व्हीकल, तो इसके लिए जब लद्दाख या आसपास वाले रीजन में लद्दाख या आसपास वाले रीजन में इट कंपेटिवली बिकम्स पॉसिबल कि वहां पे गाड़ियों को चलाना मुश्किल है, तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज कर दिया है। स्पेशलाइज्ड फ्यूल दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बेसिकली हाई ऑल्टीट्यूड रीजन पे यहाँ पे टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम हो जाता है, जैसे लद्दाख वाले रीजन में। द फ्लो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेगुलर डीजल चेंज हो जाता है बेसिकली लो टेम्परेचर, दैट इज डिटरमिन टू व्हीकल। अगर विंटर डीजल की बात करते हैं, दैट विल बी कंटेनिंग सर्टन एडिटिव्स एंड देयर विल बी द लोअर विस्कोसिटी दैट कैन बी देयर, सो दैट इट कैन बेसिकली बी यूज इन टेम्परेचर एज लो एज -30°C तक भी हम यूज कर देते हैं। इट इज हायर सिटेन रेटिंग एंड इंडिकेटर ऑफ द कम्बशन स्पीड डीजल एंड कंप्रेशन नीडेड फॉर इग्निशन, तो इसका जो सिटेन रेटिंग हायर होगा, सल्फर कंटेंट विल कंपेरेटिवली बी लोअर। बिमल जुल्का कमिटी, नहीं अब हो जाएगा, इतना पढ़ लोगे यार बहुत है। विमल जुल्का कमिटी दैट कैन बी देयर, हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखो फ्रेंड्स, दोज हु आर गिविंग द एग्जाम करंट अफेयर पे बहुत फोकस रखना चाहिए, दैट हैज टू बी देयर। एक्सपर्ट कमिटी है ऑन रैशनलाइजेशन क्लोजर एंड मर्जर ऑफ द फिल्म मीडिया यूनिट्स एंड हाउ द रिव्यू ऑफ द ऑटोनोमस बॉडी कैन बी डन, उसके लिए कमिटी है विमल जुल्का कमिटी, दैट कमिटी दैट हैज बेसिकली बीन सेट अप। वीनस कोरोना,
जिस तरीके से अर्थ में फॉर एग्जांपल वॉल्केनोज आते हैं, उसी तरीके से वॉल्केनोज का एक इमेजेस कैप्चर हुई है वीनस वाले रीजन पे। अर्थ में तो देयर डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज दैट आर देयर, तो जैसे ज्योग्राफी में भी किया है प्लेट बाउंड्रीज मूव कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है एक्सेट्रा, तो इन दैट केस इट कंपेरेटिवली बिकम्स पॉसिबल कि वहां पे अर्थक्वेक है। लेकिन एज सच कोई कंडीशन वीनस में नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे अर्थक्वेक है कोरोने। रिसेंटली द रिसर्चर्स स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ वीनस रिंग शेप्ड वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स नोन एज कोरोने। दे आर बेसिकली फॉर्म्ड बाई द प्लूम्स ऑफ द मॉल्टन रॉक्स फ्रॉम द मेंटल कमिंग अप थ्रू द क्रस्ट। द प्रोसेस इज सिमिलर टू जिस तरीके से अर्थ के ऊपर वॉल्केनो होते हैं। इंटरेस्टिंगली अर्थ वॉल्केनो टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स दैट आर देयर, बट मॉडर्न वीनस डज नॉट सीम्स टू है बी द पोजेस पोजेस द टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है जिसकी वजह से भी हुई। नहीं, दिस इज बेसिकली करंट अफेयर, तो पता नहीं कितने भी आ सकते हैं। नॉट स्पेसिफिक, पीसीएस तो पार्ट है इसका, दिस इज फॉर यूपीएससी ऑल्सो। कॉगेक्स बेसिकली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इवेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हर साल लंदन में होता है। इन द रिगार्ड दैट कॉक्स अवार्ड इज गिवन फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कैसे हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को अक्रॉस द वर्ल्ड किस तरीके से पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दैट इज वॉट इज रेफर टू एज कॉग एक्स, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। क्या अवार्ड है, लंडन में दिया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंटेक्सट में। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस। इंडिया और इसराइल का कोलेबोरेशन है, सो दैट दे वॉन्टेड टू कंडक्ट अ ट्रायल टू डिटरमिन द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, कि कैसे हम एडवांस टेक्नोलॉजीज को कलेक्टिवली यूज कर सकते हैं। बेसिकली किस कंटेक्स्ट में, इन द डायग्नोसिस ऑफ द कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कंटेक्स्ट में। ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस इंडिया इसराइल का ज्वाइंट एफर्ट है। इज इट क्लियर टू एवरी वन टिल नाउ? अदर्स ऑल्सो हु आर वॉचिंग, मानता हूं थोड़ी सी ठंड है, लेकिन यस नो तो लिख सकते हो। इतनी ठंड भी नहीं है, अब तो ठीक होने लगा है मौसम। और इतने सुस्त मत हुआ करो ना यार, कि कुछ पता ही नहीं लग रहा अभी क्या हो रहा है, चल चल रहा है, पढ़ा रहा है, सामने खड़ा है, ऐसे मत किया करो। ठीक है, एस्ट्रोस मिशन बेसिकली एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। एट कितना है, सब मिलीमीटर वेवलेंथ की कंटेक्स्ट में। इट विल बी सेंडिंग, एस्ट्रोस मिशन क्या करेगा, इट विल बी सेंडिंग अ टेलीस्कोप, कितना बड़ा होगा, ऑफ द साइज ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल स्टेडियम। एंड टेलीस्कोप भेजा जाएगा कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फियर में, जैसे आपको गया ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आइनोस्फेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग किया हुआ है। ऑब्जर्व द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन इनविजिबल फ्रॉम द अर्थ, दैट इज उनको ऑब्जर्व करने के लिए। इट विल बी ट्राइंग टू फाइंड द आंसर अबाउट किस तरीके से जायंट स्टार्स बनते हैं गैलेक्सी में। देयर फोर इन दैट रिगार्ड दैट ऑब्जर्व करेगा वेवलेंथ अलग अलग लाइट्स की दैट आर बेसिकली इनविजिबल फ्रॉम द अर्थ, तो वहां पर जाके करने की कोशिश करेंगे। नासा ने अनाउंस किया है दैट मिशन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अंटार्कटिका 2023 की अंटार्कटिका से छोड़ेंगे। अगर जिंदगी में मौका लगे तो अंटार्कटिका जरूर जाकर आओ। दैट इज वन प्लेस वेयर आई रियली वॉन्ट टू गो। अगर भगवान ने जिंदगी दी और जाने का कुछ वहां पे जुगाड़ किया और बर्फ रही वहां पे, तो जाएंगे। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज सेट अप द प्लाज्मा बैंक, कि बेसिकली दो चीज होता है, जैसे ब्लड हो गया, जैसे एक तो किसी को ब्लड डोनेट कर दिया, या फॉर एग्जांपल आपने ब्लड तो नहीं, क्योंकि ब्लड में और भी बहुत सारी चीज होती है, उसमें से सिर्फ प्लाज्मा ले लिया, ऐसा भी डॉक्टर्स को तो ज्यादा पता है। हाँ, वो तो मैंने पता किया हुआ है कि कितना आता है,
एंड इतना नहीं है, कम है। एंड वो शिप चलती है वहां से क्रूज साउथ अमेरिका, बिल्कुल सदर्न पार्ट से वहां से चलता है क्रॉसिंग, फिर सीधा वहां पे। प्लाज्मा हैज टू बी डोनेटेड, कौन कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? दोज हू हैड, जिनको पहले कुछ कोई प्रॉब्लम थी लेकिन रिकवर कर चुके हैं 14 दिन पहले, दे कैन बी ऑल्सो, दे कैन बी डोनेटिंग। सेकेंड थिंग, पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ 18 to 16 और जिनका वेट लेस देन 50 kg है, दे कैन बी डोनेटिंग। वेमेन्स हु हैव गिवन द बर्थ, दे आर बेसिकली नॉट एलिजिबल फॉर डोनेटिंग ऑफ द प्लाज्मा। द ब्लड कंटेन्स अलग अलग कॉम्पोनेंट्स, फॉर RBCs होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, वाइट WBCs होते हैं एंड प्लाज्मा। इन प्लाज्मा डोनेशन एज अपोज टू ब्लड डोनेशन, ओनली द प्लाज्मा इज बींग एक्सट्रैक्टेड एंड अदर कॉम्पोनेंट्स विच आर देयर, दे आर रिटर्न बैक टू द बॉडी इन दैट रिगार्ड। ये देखो तुसी, इतनी वधिया जगह ते जाना तो थोड़ा बहुत एफर्ट मारो। हाँ, प्लाज्मा की जब बात करते हैं, दैट कैन बी 500 ml कैन बी डोनेटेड एवरी 2 वीक्स, लेकिन जब ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तो आपको 3 महीने के बाद ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। एक बढ़िया सा पैकेज बन जाता है अगर अप्रोक्सीमेटली 20-25 lakhs का, इफ यू वॉन्ट टू गो टू अंटार्कटिका रीजन, एक सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन, किसी खास के साथ जाना है तो डबल हो जाएगा। एलिमेंट्स दैट कैन बी देयर इन सोशल मीडिया ऐप जो बनाई गई है इन डेवलप्ड इंडिया, मैसेजिंग कर सकते हो, ग्रुप चैटिंग कर सकते हो, और 8 अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये ऐप बनाई गई है एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, बेसिकली देयर एयरफोर्स इज देयर, आर्मी इज देयर, नेवी इज देयर, तो दे आर नीडिंग डिफरेंट इक्विपमेंट्स एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। उसके लिए हमें कहाँ कैसा लेना है, कितनी नीड है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर डिसाइडिंग द न्यू पॉलिसीज एंड एक्विजिशन फॉर 3 सर्विसेज एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड। अप्रूव किया है वेरियस एक्विजिशन, फॉर एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या अप्रूव किया है ये आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये अप्रूव है, लेकिन ये काम क्या करता है, पिनाका, ये ऑलरेडी आ चुका है। ऑल वेदर डायरेक्ट फायर फ्री फाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO, एस्ट्रा मिसाइल्स बियॉन्ड विजुअल रेंज, एयर टू एयर मिसाइल है डेवलप्ड बाय DRDO, रेंज कितना है 70 किलोमीटर, ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी के साथ है। MiG-29 फाइटर जेट, ट्विन इंजन है, मल्टी रोड जेट है, फाइटर जेट है, रशिया ने डेवलप किया है। Su-30 MKI, Su-30 MKI फाइटर जेट, बेसिकली ट्विन इंजन है, 2 सीट सुपर मैन्यूवरेबल फाइटर है, रशिया ने बनाया गया है। मल्टी रोल फाइटर है, ऑल वेदर, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, कहीं पे भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। नेट ग्रिड, बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन है वो कोई भी काम करते हैं इकट्ठी करके रखनी है। देयर आर सर्टेन पीपल हु हैव अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, उनकी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे इकट्ठी करके रखनी है, चाहे वो कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी कर रहे हैं, या कुछ भी इनकम टैक्स या मनी ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा जो कुछ भी कर रहे हैं। इन दैट रिगार्ड वी नीड टू असेंबल देयर इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस, और देयर विल बी 10 डिफरेंट एजेंसीज, ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। प्रेजेंटली देयर 10 डिफरेंट एजेंसीज विच आर देयर एंड दे विल बी कलेक्टिंग द इंफॉर्म, दे विल बी यूजिंग दैट कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। 2008 के बाद जो फॉर एग्जांपल जब अटैक हुआ था पार्लियामेंट्री अटैक, तो उसके बाद इसको कंसीव किया गया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। नेटग्रिड ऑनलाइन डेटाबेस दैट वुड बी कलेक्टेड, द डिफरेंट एजेंसीज वुड बी देयर, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द राइट टू इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ हो गया या कुछ और है, 10 डिफरेंट एजेंसीज विच आर देयर, दोज एजेंसीज विल बी यूजिंग having an access to data. First electric rail tunnel कहाँ पे है? 1 किलोमीटर long, world का first है, that will be cut through the range of Aravallis. Spyware and stalkerware. And stalkerware. Spyware, for example, app ही है जो install करी जा सकती है remotely. Access that कोई भी app जो install हो गई है
इंस्टॉल करने के बाद जो आपके फोटोग्राफ्स हैं या कुछ और डाटा है, दैट डाटा विल बी टेकन एंड दैट विल बी शेयर्ड विद द पर्सन एट अ व्हाट सर्टेन सेंट्रल सर्वर के पास कर लिया जाएगा। और द एप्स दैट आर इंस्टॉल्ड रिमोटली एक्सेस द यूजेज पैटर्न, आप किस तरीके से फोन यूज कर रहे हो, फोन यूज का मतलब कौन कौन सी साइट्स पे जा रहे हो, सो दैट द डाटा कैन बी देयर। फिर कभी कभी ऐसा होता है आप कोई साइट खोल लेते हो, वहां पे आपने कुछ चीज पसंद करी, उस साइट पे थोड़ा टाइम रहे, देन आप कुछ भी इंटरनेट में सर्च करोगे वो आपको साइट पे दिखेगा दिखेगा। दैट इज द टूल्स दैट आर बेसिकली बींग यूज, एंड इफ सेम योर डाटा इज बींग देयर, तो बार बार आपको फोटो दिखाते रहेंगे। ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल होता है, ताकि आपको फोर्स कर देते हैं, हाँ यार चलो ठीक है ले लेते हैं ये चीज। एक्सेस द डाटा यूजेज पैटर्न, गेन एक्सेस टू फोटोज वीडियोज एक्सेट्रा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। स्टॉकरवेयर कैप कैन बी इंस्टॉल्ड ओनली वेन समवन हैज द फिजिकल एक्सेस टू डिजिटल कनेक्टेड डिवाइस। जो आपके पास कनेक्टेड डिजिटल कनेक्टेड डिवाइस है, जब फिजिकल एक्सेस है तभी आप उसको उसको कर सकते हो। दो द ऐप वर्क्स इन सिमिलर मैनर टू स्पाईवेयर, थोड़ा सा और क्लोज हो जाता है इन द कंटेक्स्ट दैट दे आर ऑल्सो ट्रैकिंग योर लोकेशन, कि आप कहाँ पे बेसिकली बेस्ड हो, सिचुएटेड हो। बॉर्न बीबी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बेसिकली इन द रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल सुंदरबंस वाले रीजन में ये डीटी है, देवी है, उनको ट्राइबल लोग मानते हैं। सो दैट वेन एवर दे आर कलेक्ट फिशरमैन है, क्रैब कलेक्टर्स है, हनी गैदरर्स है, यू आर बेसिकली लिविंग इन द रीजन ऑफ द मैंग्रूव, मैंग्रूव वाले रीजन में रहते हैं, एंड यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स है, टाइगर्स है, क्रोकोडाइल्स है, वहां पे रहते हैं। कहते हैं कि ये हमारी बॉर्न बीबी, हमारी गॉडेसेस है, डीटी है हमारे, जो हमें इन सब से प्रोटेक्ट करके रखती है। दे प्रोटेक्ट देम व्हेन दे एंटर द फॉरेस्ट एंड सर्वाइव इन द टाइगर डोमिनेटेड एरियाज। रबारी, बारबाद एंड चरण, दे बेसिकली द ट्राइब्स इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स दैट आर देयर इन द रीजन ऑफ गुजरात। शेषनाग एंड सुपर एनाकोंडा, शेषनाग है लॉन्गेस्ट ट्रेन है जो 2.8 किलोमीटर्स की है, और सुपर एनाकोंडा सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रेन है। 100% LPG कनेक्शन, हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड इट 100% LPG कनेक्शन दैट इज देयर। F1 एंड M1 वीजाज दैट आर देयर, देयर आर टू एजुकेशनल वीजाज, यूएस देता है एजुकेशन के कंटेक्स्ट में। इट वाज इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट की जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे ले रहे हैं, जो फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट हु वांट टू गो टू यूएस फॉर हायर स्टडीज, तो वहां पे उनको बोला कि हम ऑनलाइन वालों को इसका एक्सेस नहीं देंगे। दीज आर टू वीजाज दैट आर देयर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में यूएस देता है। तो फ्रेंड्स आज वाली क्लास में हम इतना ही करेंगे, वी वुड बी डूइंग दिस मच, एंड इससे आपका जुलाई का एक क्लास पहले, एक दो क्लासेस आई थिंक पहले हो गई थी, तो जुलाई का करंट अफेयर आपका पूरा हो गया, अगस्त का हो गया, सेप्टेम्बर का हो गया। फ्रॉम टुमारो आई वुड बी टेकिंग अप द करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर वाला जितना मैक्सिमम हम वो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो डू ज्वाइन फॉर द क्लास फ्रॉम टुमारो ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।